अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारे पास है क्लास टेंथ की बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेटे याद रखना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे आपके। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का एक नया तरीका बताऊँगा, एक नया जुगाड़ बताऊँगा जिससे आप आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन हल कर सकेंगे। सबसे पहले बेटे हम यूनिट वाइज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्पटम्स ऑफ एस्थमा। दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तीसरा है, डिफाइन एपिग्लॉटिस एंड राइट इट्स फंक्शन। चौथा है, राइट टू बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। पांचवा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। छठा है, व्हाट आर लेंटिसेल्स, राइट देयर फंक्शंस। सातवां है, डिफाइन एल्वियोलाई। आठवां है, व्हाट इज मीट बाय गैसियस एक्सचेंज। नौवां है, व्हाट इज द लेरिंग्स, व्हाट राइट इट्स फंक्शन। उसके बाद बेटे यूनिट नंबर जो 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीट बाय किडनी स्टोन। डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट आर हेलोफाइट्स, व्हाट इज लिथोट्रक्सी। डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड गिव एग्जाम्पल। डिफाइन ऑस्मोसिस। व्हाट इज मीट बाय किडनी ट्रांसप्लांट। राइट टू कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। एंड लास्ट वन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन रिनल कार्सल एंड रिनल टिब्यूल। उसके बाद बेटे यूनिट नंबर 12 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। दूसरा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तीसरा है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, राइट द नेम। चौथा है, डिफाइन स्टेम सेल, गिव टू एग्जाम्पल। पांचवा है, अप्रिशिएट द नर्व, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। छठा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। व्हाट इज मीन्ट बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम, राइट द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नौवा है, एक्सप्लेन द काज ऑफ ड्वार्फिज्म। उसके बाद यूनिट नंबर 13 में, डिफाइन बोन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। डिफाइन ज्वाइंट एंड नेम इट्स टाइप्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। राइट द डिफरेंस बिटवीन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल। राइट द डिफरेंस बिटवीन हायवाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। उसके बाद है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइट्स। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। उसके बाद है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइट्स एंड रूमेटॉइड आर्थराइट्स। उसके बाद यूनिट नंबर 14 से, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। डिफाइन मल्टीपल फंक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। व्हाट इज मीट बाय फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज मीट बाय बर्डिंग, गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, आल्सो गिव इट्स एग्जाम्पल। उसके बाद थ्री मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन बल्ब्स एंड कॉम्ब्स। उसके बाद है, व्हाट इज मीट बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यूनिट 15 से, डिफाइन फिनोटाइप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद है, डिफाइन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डिफाइन कंटीन्यूअस एंड नॉन कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। राइट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 16 से, व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज मीन बाई इकोसिस्टम। राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट आर डीकम्पोजर्स, गिव एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ। व्हाट इज मीन बाई ट्रैफिक लेवल। डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। व्हाट इज मीन बाई डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 17 से, व्हाट इज मीन बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट वन एडवांटेज ऑफ लैक्टिक फर्मेंटेशन। डिफाइन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड इंडस्ट्री। नेम टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज फर्मेंटर, राइट इट यूजेस। व्हाट इज मीन बाय सिंगल सेल प्रोटीन, व्हाई इज इट कॉल्ड दैट। लास्ट वन है, व्हाट इज मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद यूनिट नंबर 18 से, व्हाट इज मीन बाय ड्रग, नेम इट्स टू टाइप्स। उसके बाद डिफाइन फार्माकोलॉजी, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिनल ड्रग्स एंड नारकोटिक ड्रग्स। व्हाट इज मीन बाय कंप्लीमेंट्री मेडिसिन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव्स एंड नारकोटिक्स। व्हाट इज मीन बाय वैक्सीनेशन, व्हाट इज मीन बाय सोशल स्टिग्मा, व्हाट आर वैक्सीन्स। उसके बाद बेटे हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। बेटे जो आपकी पेरिंग स्कीम है उसमें आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 11 का लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 का लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 17 और 18 का लॉन्ग क्वेश्चन।
बेटे ये बायोलॉजी में टेंथ क्लास में जो चार चैप्टर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी हैं। तो हम पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। पहला हमारे पास है राइट नोट्स ऑन नेफ्रॉन। उसके बाद दूसरा है हाउ डू प्लांट्स गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट मटीरियल एक्सप्लेन इन डिटेल। तीसरा है व्हाट आर हेलोफाइट्स एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडाप्टेशन इन हेलोफाइट्स। चौथा है व्हाट इज डायलाइसिस एंड इट्स टाइप्स। पांचवा है डिफरेंस बिटवीन ज़ेरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। बेटे याद रखना इस पांच क्वेश्चंस को करने से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बेटे हम देखें बात कर रहे थे यूनिट नंबर 12 की। बेटे यूनिट नंबर 12 जो है एक तो ये लेंथी चैप्टर है, टफ भी है। अगर आप चाहें तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, वगरना मेरा मशवरा यही है कि आप यूनिट नंबर 14 के ही करें लॉन्ग क्वेश्चन। 13 के करने हैं। किसके करने हैं? 13 के, मतलब कि जो क्या बन रहा है यूनिट नंबर 11 और 13 बन रहा है, ठीक है। तो बेटे इसमें हमारे पास देखें राइट नोट्स ऑन अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद हमारे पास दूसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तीसरा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। चौथा है कार्टिलेज डेफिनेशन एंड डिस्क्राइब ऑफ इट्स टाइप डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स टाइप्स। उसके पांचवा है आर्थराइट्स डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद बेटे आपने आखिरी दो चैप्टरों के करने हैं। ये बीच वाले ये मुश्किल हैं, आप आखिरी दो के ऊपर आ जाएं, चैप्टर नंबर 17 और 18 को कर लें। ये आसान भी है, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 और 17 वाले। इसमें बेटे हमारे पास चैप्टर 17 से पहले है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा हमारे पास है स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीसरा है डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटर एंड देयर बेनिफिट्स। बेटे यूनिट नंबर 18 में से सोर्सेज ऑफ मेडिसिन और दूसरा है ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। बेटे देखें ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस करने का आसान तरीन हल है। सिर्फ देखें कुछ 10-1 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, 10-12, लेकिन आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।